सच्चे दरबार की जय। जयकारा प्रगट की काली का बोल सच्चे जयकारा चिता जट पसानी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा दिल्ली की महारानी का बोल सच्चे दरबार की जय। भैया सब ठीक ठाक है बच्चों का? हाँ बच्चों पर कृपा बनाकर रख महारानी, मेरे होते हुए इन बच्चों को कोई कष्ट दुख नहीं होना चाहिए माँ। भैया मेरी बात सुन रही हो? सब ठीक ठाक है ना इनका? ना फरियाद हमारी भी एक छोटी सी आपसे माँ, आपको पता है मेरे मन की बात, आपने जान लीजिए क्या है क्या नहीं है, बच्चों का भी देख लो थोड़ा सा, मुझे पता तो भी आप अपने हिसाब से ही, लेकिन अगर बच्चे अभी माँ से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? भैया दे दो माँ, आपके नाम से पहले ही बेटी को दो कर दी, उस वचन को आप सत्य कर दो। बस सच्चे दरबार की जय। दोनों के ऊपर से हाँ शनिवार तीन ठीक है भैया ठीक है, लेकिन माँ लाज रखनी है आपको उस वचन की, इस वचन की लाज रखनी है। दो जब हमारे साथ ले जाओ उतारा करवा देंगे बच्चों का, और बच्चों के साथ रहना है, इन बच्चों का सब कुछ ठीक ठाक रखना भैया। दुनिया तो आपको पता है कैसी है, लोग तो करते रहेंगे, लेकिन मेरी भैया तुझे लाज रखनी है बच्चों, जो भी इंसान इंसान को नजदीक आता है सबको हटा, ठीक है माँ? साथ बोला भैया हमेशा बच्चों का आशीर्वाद बनाकर रख, तेरे सहारे है अब सब कुछ, तेरे ऊपर है दारो मदार, अब तू जिताएगी इनको। जिताऊंगी जरूर जिताऊंगी जिताऊंगी। सच्चे दरबार की जय। काली कलकत्ते वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ये तो देखो इनके पितरों का भी देखो भैया, अपनी शरण में रख माँ उनको, अगर तेरी शरण में इनके पितर रहेंगे तो उसके दो फायदे होंगे माँ, एक तो तेरी कृपा उन पर बनी रहेगी और वे बलशाली रहेंगे, दूसरी बात तेरी शरण में वो रहेंगे तो उनको कोई बांध नहीं पाएगा महारानी, इसलिए मैया इनके पुत्रों को भी अपनी शरण में रख और इनके घर में उनका वास कर, ठीक है माँ? क्योंकि तेरी शरण में नहीं रहेंगे तो कोई उनको कुछ भी कर देगा, कोई भी बांध देगा, कोई भी, हाँ उनको भी बलशाली बनाओ जिससे वो इसके घर की रक्षा कर सके और अपनी शरण में रखो, इनके घर पे लाओ, इनके घर पे उनका वास कराओ और ये अपने उनके सेवा पानी करेंगे बच्चे, जो भी इनसे अवगत पाएगा जैसे भी होगा, रूखा सूखा जो भी है ये अपने भोग प्रसाद देंगे उनका बना कर रखेंगे। मैं भोग प्रसाद आपका दिलवा दूंगा शनिवार, उस बच्चन को भी सत्य कर दो माँ, तेरे नाम से बोल कर रखी पहले से।